तो छोटा करो ना सर। हाँ छोटा करो। कमेंट इसको ज़्यादा ही बड़ा बड़ा सर लगा। दिख जाता ना उससे। बस 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 ठीक है ठीक है। ए वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस। तो कैसे हैं बेटा आप सभी लोग बताइए। तो अपना यहाँ पे MMV ट्रेड का जो है ट्रेड थ्योरी चल रही हो, जिसके तहत जो अपन ने गियर और जो गियर बॉक्सेस थे उनको अपन ने पढ़ा था, और अभी आपका गियर बॉक्स स्टार्ट होने वाला है। कल की क्लास में अपन ने टाइप्स ऑफ गियर कंप्लीट किया था, बराबर है। आज अपना गियर बॉक्स स्टार्ट होने वाला है ना। तो गियर बॉक्स की बात करते हैं। आपका जो गियर ट्रेन आपको मैंने बताई थी उसी पे बेस्ड रहता है, यानी पूरा वर्किंग प्रिंसिपल की मैं बात करूं कि सर गियर बॉक्स का निर्माण जो किया जाता है वो आपकी ड्राइविंग के आधार पर है ना, या ड्राइविंग की ज़रूरत के हिसाब से सर आपको कभी तो स्पीड ज़्यादा करनी पड़ती है, कभी धीमी करनी पड़ती है, कभी आपको भी सड़क पर रोकना भी पड़ता है। तो उन सब के लिए क्या करना होता है कि सर आपको बार बार आपके व्हीकल की स्पीड और टॉर्क में वेरिएशन करना पड़ता है। तो इन सब को करने के लिए साहब आपको क्या चाहिए, नंबर्स ऑफ गियर चाहिए जिनको आप एक दूसरे से मैश करवाएंगे, यानी यहाँ पे आप बहुत सारे गियर्स को एक सीरीज़ में कनेक्ट करके एक ट्रेन बनाते हैं, बराबर है। और उस गियर ट्रेन के माध्यम से आप ये सारे काम करवाते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कल अपन ने गियर बॉक्स को स्टार्ट तो कर लिया था ना, डेफिनेशन वगैरह लिख ली थी, और उसके जो फंक्शन होते हैं यानी वो वर्किंग जो रहती है क्या क्या कार्य करते हैं वो अपन ने देख लिए थे, बराबर है। आज जो आएगा आपका सबसे पहले वो आएंगे टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स, है ना। क्या आएगा तुम्हें भी लग रही है क्या गर्मी? पर तुम तो शक्तिमान हो, तुम तो पूरी सर्दी टी शर्ट में आए हो। टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स, गियर बॉक्स के प्रकार, और अगर गियर बॉक्स के प्रकार की बात करें तो पहले अपन इनके नाम लिख लें, बताओ है ना। पहले तो वन बाय वन करके इनके नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला जो गियर आता है वो आता है क्रैश मैस, है ना। सबसे पहला है ना, पहले तो ये लिख लो। कुल चार प्रकार के गियर होते हैं या गियर बॉक्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर वन क्रैश मैश, या इसका एक और नाम है स्लाइडिंग मैश। स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स। कोई बोले सर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो भैया इसको भी हिंदी कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है? जियो का थोड़ा ऐसा ही है मामला। कितने साल की देता है इनकी वो गारंटी वारंटी वगैरह कुछ तो देता होगा ना जी उसको? एक साल की।
ठीक है, अब आपका हो गया, सही हो गया अपना सिस्टम। कांस्टेंट मैश गियरबॉक्स, और इसको हिंदी में भी वही बोलेंगे, इनका हिंदी लिखने का कोई मतलब नहीं है। कांस्टेंट मैश गियरबॉक्स, थर्ड कौन सा आपका? सिंक्रोमैश। कौन सा है सर? सिंक्रोमैश गियर बॉक्स। सिंक्रोमैश, हिंदी में भी यही बोलेंगे। सिंक्रोमैश गियरबॉक्स, और लास्ट आपका आता है प्लेनेटरी टाइप का, जो आपका गियरबॉक्स होता है वो, है ना? तो प्लेनेटरी। प्लेनेटरी गियरबॉक्स, जो आपका प्लेनेट वाला सन एंड प्लेनेट मैकेनिज्म होता है ना, वो प्लेनेटरी गियर। पहले तो आपको ये चारों प्रकार नाम ध्यान देना चाहिए कि भैया गियरबॉक्स बेसिकली चार प्रकार के होते हैं। पहला जो आपको आता है वो क्रैश मैश या स्लाइडिंग मैश गियरबॉक्स कहलाता है। सेकंड आपका कांस्टेंट मैश गियरबॉक्स रहने वाला है। थर्ड आपका सिंक्रोमैश, और लास्ट आपका प्लेनेटरी मैश गियर बॉक्स आपका रहेगा, ना? तो ये कुल चार प्रकार के गियर बॉक्स अपने ऑटोमोबाइल व्हीकल के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ सर इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, तो आपका सिंक्रोमैश जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि थर्ड टाइप का है जिसको अपन पढ़ेंगे, है ना? अभी स्टार्ट करते हैं अपने पहले यानी क्रैश मैश को स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका पहले ज़्यादा यूज होता था। मैं बोलूँ जब आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम ये गियर बॉक्स स्टार्ट होते थे या लगते थे। आजकल इनका प्रचलन ना के बराबर है, उसके पीछे कारण भी है। लेकिन लेकिन वर्किंग भाई, अपन इसको पढ़ने का पर्पज वो नहीं है कि ये वो अभी वर्किंग में नहीं, लेकिन जो वर्किंग प्रिंसिपल रहने वाला है वो यहाँ से अपन समझेंगे कि आपका गियर बॉक्स एक्चुअल में कैसे वर्क करता है ना, क्या मैकेनिज्म है, क्योंकि मैकेनिज्म सारों का सेम है, हल्का हल्का डिफरेंस आएगा इन सब में, है ना? तो मैकेनिज्म इसी गियर में समझेंगे, उसके बाद तो जो 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 इनमें डिफरेंस आता जाएगा वो लिखते जाएंगे, है ना? तो हेडिंग डालिए क्रैश मैश। अच्छा, इसका नाम क्रैश मैश क्यों पड़ा? क्योंकि मैंने बताया भी था इसके अंदर स्पर गियर का प्रयोग किया जाता है, है ना? तो स्पर गियर जब मैश होता है तो एक आवाज आती है, झटका लगती है, क्रैश टाइप में होता है, तो इस वजह से इसका नाम क्रैश मैश पड़ा है। बाकी इसको स्लाइडिंग मैश क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे अपन जो गियर शिफ्टिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं उसकी सहायता से इन गियर्स को स्लाइड कर करके चेंज करते हैं। इनके बीच में अपन एक तरीके से रैचेट का प्रयोग करके आप जो नॉब की सहायता से, यानी ऊपर जो नॉब लगी होती है उसकी सहायता से आप गियर्स को इधर उधर करते हैं, है ना? और गियर जो शाफ्ट होती है वो भी गियर वाली होती है, स्प्लाइन शाफ्ट होती है। गियर का हब जो होता है वो भी स्प्लाइन होता है, तो ये लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं, अभी डायग्राम से समझेंगे। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? स्लाइडिंग मैश, क्योंकि यहाँ पे जो मैशिंग की जाती है, यानी जब गियर चेंज करते हैं तो गियर जो है लेफ्ट राइट में स्लाइड कर करके अपन चेंज करेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग डालिए आपका पहला क्रैश मैश। या स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स। हिंदी में भी लिखूं क्या? क्रैश मैश या स्लाइडिंग मैश गियरबॉक्स। ये आपका
कुछ इस प्रकार का आपका गियर बॉक्स रहता है, ये वाला दिखाई दे रहा है क्या ऑनलाइन वालों को? गजानन सेन, मोहम्मद शाहिद, हाँ बिल्कुल ट्रैक्टर मैकेनिक की क्लास लगेगी मोहम्मद शाहिद। मंडे से आपका ट्रैक्टर मैकेनिक का बैच स्टार्ट हो जाएगा, आप मंडे को 7 से 8 बजे देख सकते हैं। मंडे से आपकी ट्रैक्टर मैकेनिक की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे, है ना? तो आप मंडे से देख लीजिए, टाइम रहेगा आपका 7 से 8 बजे का, ना? हाँ, अब बात करते हैं आपका स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, बराबर है? ये आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पे बेसिकली आपके 3 शाफ्टें लगी हुई हैं, ध्यान से देखना। ये इधर वाली जो शाफ्ट है, ये आपकी शाफ्ट कहलाती है क्लच, क्योंकि आपका इंजन इधर ही रहता है, आपका इंजन इधर रहता है, इंजन से क्लच लगी होती है, क्लच के जस्ट बाद ये वाले आपकी शाफ्ट दिख रही है जो निकलती है ना, ये आपकी क्लच शाफ्ट होती है। और इसके साथ एक छोटा सा गियर और भी लगा हुआ है, जिसको अपन क्लच गियर बोलेंगे, या अपना टॉप गियर भी यही कहलाएगा। एक तरीके से आप देखोगे यहाँ पे 3 गियर लगे हुए हैं, 1, 2, 3, चौथा गियर यही होता है आपका। जब आपको हाई टॉप स्पीड पे करना होता है तो आप मेन शाफ्ट को इसी से कनेक्ट कर देते हैं डायरेक्टली, है ना? क्योंकि सबसे छोटा मतलब ये वो गियर होता है जिस स्पीड से इंजन चल रहा होता है उसी स्पीड से आपका ये जो पूरी असेंबली, ये देखो ये शाफ्ट बीच में से डिसकनेक्टेड है, ध्यान रखना। ये अलग से एक आपको शाफ्ट दिख रही होगी जिसपे स्प्लाइन खांचे कटे हुए हैं, स्लॉट कटे हुए हैं ऐसे, है ना? ये आपकी मेन शाफ्ट होती है, प्राइमरी शाफ्ट होती है। इसके जस्ट आगे आपका नक वो सॉरी हुक ज्वाइंट लगा होगा, है ना? इसके जस्ट आगे वो आपका हुक ज्वाइंट लगा होगा, इधर आपकी प्रोपेलर शाफ्ट लगी होगी, फिर आपका इधर डिफरेंशियल लगा होगा, इधर आपके टायर होंगे, इधर आपके टायर होंगे, कुछ इस प्रकार इधर आपका इंजन का पूरा स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ नीचे या जो आपको दिख रही है आपकी ले शाफ्ट होती है, कौन सी शाफ्ट होती है सर? ले शाफ्ट। यहाँ पे आप देखोगे और भी 4 अतिरिक्त गियर लगाए गए हैं, और अपन इन्हीं की सहायता से आप आपकी जो मेन शाफ्ट है उसकी स्पीड में वेरिएशन करेंगे, बराबर है? दूसरा यहाँ पे आप देख रहे होंगे गियर में कितने गियर लगे हुए, देखो ए गियर, बी गियर, सी आपका, डी, ई, एफ, जी, यानी कुल अगर मैं नंबरिंग दूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुल 8 गियर का यहाँ पे प्रयोग किया गया। जिसमें से आप देखोगे जो गियर ए और गियर बी है, गियर ए जो है वो क्लच शाफ्ट पे लगा हुआ है, या मैं उसको क्लच गियर भी बोल सकता हूँ, वो हमेशा इसके साथ कॉन्टेक्ट में रहता है, ध्यान रखना, हमेशा। तो हमेशा यानी आपका न्यूट्रल भी अगर लगा रहे हो ना आप, अगर आप क्लच भी दबा रहे हो तो भी ये तो घूमते रहते हैं। बस क्लच लेने के बाद क्या होता है कि ऊपर वो जो मेन शाफ्ट, ये जो आपका ट्रांसमिशन लाइन से जुड़ी हुई है ना, ये किसी भी, अभी देखो इस अभी जो कंडीशन है ना वो न्यूट्रल वाली है, ये डायग्राम जो आपका है वो न्यूट्रल वाली में है। देखो यहां से भी कनेक्शन नहीं है, इन गियर का किसी से ऊपर वाले से संपर्क है क्या? नहीं है। लेकिन इस गियर का इस गियर से तो हमेशा कॉन्टेक्ट रहता है, तो ये तो हमेशा यानी ले शाफ्ट तो आपकी हमेशा घूमनी है इसमें, ये फ्री नहीं रहती। हाँ, आपका मेन ट्रांसमिशन लाइन पूरी अलग कर दी इसने, वो डिस्कनेक्ट कर दिया आपको, जब अब आप फटाक से गियर करके इधर स्लाइड कर दोगे और ये इसके संपर्क में आ जाएगा, तब आपकी मेन शाफ्ट चल जाएगी। या मान लो आप इधर करके फर्स्ट गियर में लगा सकते हो, ये आपका फर्स्ट गियर होता है, ये आपका फर्स्ट गियर होता है, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ। फोर्थ में लगते टाइम क्या होगा कि ये इधर ये डायरेक्ट इससे कनेक्ट हो जाती है, डायरेक्ट ये जो शाफ्ट है ना डायरेक्ट ही इस यहाँ पे क्या है? वो निकले होते हैं टीथ, निकले होते हैं टीथ भी नहीं बोलूंगा मैं उनको, डॉग्स, डॉग टाइप के वो होते हैं, डॉग मतलब कुछ इस प्रकार के अंदर। तो देखो एक साइड तो ऐसे दो बड़े बड़े टीथ निकले होते हैं, और दूसरी साइड जो प्लेट होती है उसके अंदर अंदर स्लोट होते हैं, तो ये इनमें फंस जाते हैं जाके, और फिर पावर रोटेट होती है। अगर मेरे पास डायग्राम पड़ा हो तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये दिखाई दे रहा है क्या आपको? देखो ऐसे ये बड़े बड़े टीथ लगे होते हैं इसके, ये घुस जाते हैं इनके अंदर, दिखाई दे रहे हैं? हाँ, तो अभी के इसमें क्या डायग्राम है नहीं। गुड इवनिंग बेटा, हूँ विजय मीणा। तो
जहां तक मेरा मानना आपका ये चीज तो क्लियर हो गई होगी, बराबर है। यानी अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो मोटी मोटी बात ये निकल के आती है कि सर यहाँ पे बेसिकली तीन शाफ्ट होती है। पहली शाफ्ट आपकी कौन सी होती है? क्लच शाफ्ट, जिस पे क्लच गियर लगा होता है। दूसरी शाफ्ट कौन सी होती है? ले शाफ्ट, जिस पे चार गियर फिक्स किए जाते हैं। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, फिक्स किए जाते हैं, मतलब ये एकदम फिक्स हैं, ये ना इधर उधर हिलते डुलते ना ये अपने एक्सिस पे घूमते, मतलब इनके बीच में कोई बियरिंग भी नहीं लगाया अपन ने। जैसा कि आपका कॉन्स्टेंट मैश में अपन देखना, इसके बीच में बियरिंग लगा देंगे, यानी ये शाफ्ट अपने उस पर फ्री रोटेट हो सकते हैं। यहां पे अगर गियर घूमेगा तो शाफ्ट को साथ ही लेके घूमेगा, अगर ये गियर घूम रहा है तो तीनों ही गियर घूम रहे हैं। और फिक्स अपन किसकी सहायता से कर सकते थे, मैंने आपको फिटिंग बताई थी, कीज वगैरह लगा के, वुडरूफ की, जिब हेड की, उनका प्रयोग करके आप इनको फिक्स कर देते हैं। वहीं मैं आपका मेन शाफ्ट की मैं बात करूं, सर यहां पे गियर रोटेट फ्रीली नहीं हो सकता, लेकिन लेफ्ट राइट में जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पे शाफ्ट कौन सी यूज के लिए अपने, स्प्लाइन शाफ्ट, यानी इस पे स्लॉट कटे हुए, और गियर के जो हब है उसमें भी दांते कटे हुए, इंटरनल टीथ होते हैं, इसके एक्सटर्नल टीथ होते हैं, तो ये ऐसे स्लाइड कर सकता है, लेकिन ये घूम नहीं, अगर कोई भी गियर घूमेगा तो पूरी शाफ्ट को लेके घूमेगा, मतलब अपनी एक्सेस पे फ्री नहीं है। बस हाँ ये है कि स्प्लाइन यानी चूड़िया होने की वजह से शाफ्ट पे ये लेफ्ट राइट में मूव कर सकता है। कहानी समझ में आई तीनों शाफ्ट की? ये वो शाफ्ट होती है जो कि आपके आगे ट्रांसमिशन लाइन से जुड़ी हुई है। ट्रांसमिशन लाइन से कौन सी शाफ्ट जुड़ती है? मेन शाफ्ट, प्राइमरी शाफ्ट जिसको बोलते हैं। ले शाफ्ट आपकी हमेशा किसके कॉन्टेक्ट में बनी रहती है? क्लच शाफ्ट के साथ, ये हमेशा इसका संपर्क बना रहेगा यहाँ पे, मतलब ये तो हमेशा फ्री। अगर आप न्यूट्रल भी लेते हैं तो ले शाफ्ट तो सर घूमती है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आपने क्लच दबाई है तो बताओ ले शाफ्ट घूमेगी या नहीं घूमेगी, तो घूमती रहेगी भैया वो तो। वो उससे क्या होता है, ले शाफ्ट का मेन शाफ्ट से कनेक्शन टूट जाता है बस, न्यूट्रल का मतलब, वो नहीं घूमेगी, वो फ्री हो जाएगी। तो यहां तक चीजें क्लियर रहेगी, बताओ। दूसरा, इसका नाम क्रैश मैश क्यों पड़ा वो मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि सर यहाँ पे स्पर गियर यानी ये जो गियर लगे होते हैं सारे के सारे, इनमें टीथ होते हैं। अगर मैं इन गियर्स की बात करूं, इन सब में टीथ बने हुए हैं ना, और ये कौन से होते हैं? अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे, एक तो गियर ये दिख रहा है जी, और एक छोटा सा गियर और दिख रहा है जिसपे अलग से शाफ्ट लगी हुई है कोई, ये गियर दिख रहा है छोटा सा, ये क्यों लगाया है? रिवर्स गियर है ये, जब आपका ये वाला गियर इसके संपर्क, क्योंकि फर्स्ट गियर में ही रिवर्स होता है, आपने देखा होगा आगे की तरफ तो फर्स्ट और पीछे की तरफ रिवर्स हो जाता है। अगर रिवर्स गियर का प्रयोग कर रहे हैं तो ये गियर इससे संपर्क में आता है, बीच में इडलर पुली का प्रयोग किया गया है ना, और ये क्या करती है, डायरेक्शन चेंज कर देती है ना। बीच में अगर आपने एक अतिरिक्त, जब मैंने बताया था आपको याद करो, इडलर पुली लिखवाई थी, वहां लिखवाया था इसका काम है रिवर्स करने में सबसे ज्यादा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भैया गियर बॉक्स के अंदर रिवर्स गियर के लिए या रिवर्स करने के लिए आप क्या लगाते हैं, इडलर का प्रयोग किया जाता है, इडलर पुली या इडलर गियर का प्रयोग किया जाता है। ये गियर वो होता है जो केवल और केवल दिशा में परिवर्तन करता है, उसके गियर अनुपात में कोई बदलाव नहीं करता है, स्पीड रेशियो में कोई बदलाव नहीं करता है। कान खोल के सुन लेना इस चीज को, जो इडलर आपका गियर होता है, जो इंटरमीडिएट जो आपका गियर है, ये इसकी स्पीड रेशियो में और उसके गियर रेशियो में कोई चेंज नहीं करता है, केवल और केवल उसकी दिशा बदल देता है, और अपन को चाहिए भी ये कि दिशा बदल। इसीलिए आपने देखा होगा आपका रिवर्स गियर जब लगाते हो तो ज्यादा स्पीड से नहीं जाता है, वही जो कि आपका फर्स्ट गियर में जितना आगे बढ़ता है वही रिवर्स में आप उतना पीछे ले जा सकते हो, है ना। फुल स्पीड दे तो भी आपका नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो फर्स्ट गियर से कनेक्टेड होता है, ये भी बराबर है। बताओ यहां तक कोई समस्या? अब सर ये गियर कैसे कनेक्ट होते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको। जैसे मैं फर्स्ट गियर की बात करूंगा तो देखो इसकी, इस डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करना, है ना। देखो ये कुछ ऐसा 3D सा इमेजिनेशन आपको दे रहा होगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये आपकी ले शाफ्ट हो गई, ये आपकी क्लच शाफ्ट हो गई, ये आपकी मेन शाफ्ट हो गई। ऊपर ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है ये आपका गियर शिफ्टिंग मैकेनिज्म होता है ना, कि आप भाई आपको गियर शिफ्ट करते हो ना आपका, ये देखो आपका वो
आपके ऊपर जो गाड़ी के अंदर जो ब्रेक सॉरी लगा होता है ना, जो गियर लगा होता है जिसको आप आगे पीछे इधर उधर लेफ्ट राइट मूव करके, ये वो चीज है ना। यानी यहाँ पे एक तो नॉब लगी होती है, यहाँ पे बीच में थ्री एक गोल बोल लगी होती है, नॉब बोलते हैं उसको, है ना। तो उसकी सहायता से आप ये जो आपको फोर्क बोलते हैं इसको, ये चीजें जो कहलाती है, ये आपके लीवर होता है, ये फोर्क होता है। तो आप देखो यहाँ पे इसमें फिक्स रखा हुआ है कि अगर आप आगे लेके इधर शिफ्ट करोगे सेकंड गियर, उधर लोगे तो थर्ड गियर, इधर लोगे तो फर्स्ट और इधर लोगे तो रिवर्स। और वो कि आपके व्हीकल पे भी लिखा होता है, आप जब गियर आपके साइड में देखा होगा उसमें लिखा होता है फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, फिर थर्ड गियर, फिर फोर्थ गियर, फिर फिफ्थ गियर और फिफ्थ के इधर रिवर्स। अब ये मत समझना कि फिफ्थ गियर के नीचे ही रिवर्स होता है तो सर कि फिफ्थ वाला ही कनेक्ट होता है, नहीं गियर फर्स्ट वाला ही कनेक्ट होता है, उसमें फर्स्ट वाला ही रिवर्स करता है, फिफ्थ वाला गियर तो बहुत हाई स्पीड पे हो जाएगा रिवर्स, है ना। तो फिफ्थ वाला गियर रिवर्स नहीं होता है, वो फर्स्ट में। अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा गियर और दिख रहा होगा, ये वही है आपका रिवर्स वाला जिसको इडलर अपन बोलते हैं। जब भी जैसे आपका फर्स्ट गियर ही सबसे बड़ा गियर कौन सा होगा, फर्स्ट गियर। देखो मैं जब भी गियर शिफ्टिंग की बात करूंगा तो मेन शाफ्ट के गियर की बात करूंगा, आप इधर के गियर का साइज बड़ा छोटा मत जाना, इनसे अपन को कोई लेना देना नहीं। अपना वास्ता मेन शाफ्ट वाला है, क्योंकि अपने को जो फाइनल आउटपुट मिलेगा वो मेन शाफ्ट में मिलेगा, ध्यान रखना। क्योंकि इसके अंदर जो सारे गियर वो फिक्स है और ये हमेशा इंजन की स्पीड से ही भागेगी, क्यों, क्योंकि ये हमेशा कनेक्टेड होते हैं। आपकी इंजन जो क्लच शाफ्ट होती है वो ले शाफ्ट से या ले गियर से कनेक्टेड होता है, तो जब ये स्पीड से जिस स्पीड से चलेगी तो पूरी की पूरी शाफ्ट उस स्पीड से चलेगी, पूरे के पूरे गियर उस स्पीड से चलेंगे, बराबर है। तो अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, फर्स्ट गियर की, किसकी बात कर रहा हूं, ये एक बार समझ में आया है। अब फर्स्ट गियर में क्या करूंगा, देखो ये फर्स्ट गियर कहाँ है, फर्स्ट गियर आपका इधर है, है ना, इधर है। इधर करोगे, अगर इसको इधर करोगे तो ये चीज इधर, देखो ये आप फर्स्ट गियर आपका, अगर आप इसको ऐसे दबाओगे तो ये फोर्क पूरा इधर घूमेगा नहीं घूमेगा, और इसको ये इधर खींचेगा नहीं खींचेगा, और ये इस पे स्लाइड कर सकता है नहीं कर सकता, कर सकता है सर, क्योंकि स्प्लाइन शाफ्ट है, हब है, तो ये फटाक से किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, इन दोनों का कनेक्शन हो जाएगा, है ना। हो गया क्या कनेक्शन, देखो ये फर्स्ट गियर उधर ले गया, इससे ये चीज इधर आई तो इधर खिसक के आ गया। साहब ये कौन सा कनेक्शन था, ये आपका फर्स्ट गियर था, कौन सा था, फर्स्ट गियर। यानी आपने जैसे उसको उधर किया ये चीज इधर आ गई, और यहां पे आप देख रहे होंगे ये जो, क्योंकि ये तो रोटेट हो रही थी पहले से ही, है ना, और इसके साथ जैसे ही कनेक्ट होगा अब आपका फर्स्ट गियर डल गया है, अब आपका मेन शाफ्ट भी चलेगा, मतलब आपकी गाड़ी क्योंकि स्थिर थी तो अब आपका अटैचमेंट हो जाएगा। अच्छा रही बात सर किस स्पीड, अब एक चीज देखोगे आप, ये छोटा गियर है एक बड़ा गियर, जब छोटा गियर बड़े गियर को चलाएगा तो स्पीड मिलेगी या टॉर्क मिलेगा, टॉर्क लिखवाया था मैंने, एक लाइन लिखवाई थी याद करना, कि जब भी कोई छोटा गियर बड़े गियर को चलाता है तो टॉर्क बढ़ता है स्पीड कम होती है, जब एक बड़ा गियर छोटे को चलाएगा तब स्पीड बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टीथ कम है, यहाँ पे ज्यादा है, ये चार बार घूम जाएगा तब जाके एक बार घूमेगा, तो कहीं ना कहीं स्पीड आपको बहुत कम मिलने वाली है, यहाँ पे क्या मिलेगा, टॉर्क मिलेगा, बराबर है। फर्स्ट गियर, मैं आ रहा हूं सेकंड गियर पे, अब सेकंड गियर डाला है तो मतलब मैं क्या चाह रहा हूं, स्पीड बढ़ाना चाह रहा हूं, क्या बताओ, हाँ ये रहा सेकंड, यानी मैंने उधर लेके सेकंड गियर डाला। अब देखो ये सारे फ्री हो गए, यानी ये वाला इसके साथ कनेक्ट हो गया, पहला इधर से कनेक्ट था, अब ये इधर से कनेक्ट हो गया क्या, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे गियर का साइज थोड़ा बड़ा हो गया, है ना, थोड़ा सा बड़ा हो गया, और यहाँ पे अपना इस गियर का साइज थोड़ा छोटा हो गया। तो बड़ा गियर जब छोटे को चलाएगा तो स्पीड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी, टॉर्क क्या होगा, कम होगा। तो ये कौन सा गियर हुआ आपका, सेकंड गियर। वही मैं बात करता हूं आपका, देखो अभी मैं बात करूं, ये जो डायग्राम है ये तीन गियर मैकेनिज्म का ही है ना, यहाँ पे आप चार गियर तो अब धीरे धीरे बढ़ने लगे, आपके जब स्टार्टिंग में वाहन आए थे ना तब तक तीन गियर ही थे, फिर चार आया, अब पांच हो गया, अब कुछ गाड़ियों में छह भी आने लग गए आजकल, है ना, आप ओडी मर्सिडीज में जाओगे छह छह गियर भी आने लगते है ना। तो मैं केवल तीन गियर की बात कर रहा हूँ, अगर ज्यादा होंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यही सेम मैकेनिज्म चलता रहेगा। ये रहा, ये कौन सा गियर आपका, थर्ड गियर, और इसको मैं टॉप गियर बोलूंगा यहाँ पे, क्योंकि अपने पास यहाँ पे इतने गियर लगे, है ना, ये आपका टॉप गियर है,
और टॉप गियर होने का मतलब मैंने बताया था ना कि आपका जो ये वाला शाफ्ट है मेन शाफ्ट ही किससे कनेक्ट हो जाता है, क्लच शाफ्ट से, और ये मतलब इंजन जिस स्पीड से चल रहा है वही तो ये फाइनल आउटपुट है। अच्छा इस टाइम ये भी चल रही होगी ध्यान रखना, क्योंकि ये तो हमेशा ही कनेक्टेड एक दूसरे से, बराबर है, तो ये भी चल रही होगी साथ में, आपका मेन शाफ्ट डायरेक्ट ही जाके कहां पे लग गया, क्लच शाफ्ट के साथ या क्लच गियर के साथ, क्लच गियर तो नहीं बोलूंगा, क्लच शाफ्ट के साथ, क्लच गियर के साथ, तो वही आपका ले आउट वाला ले शाफ्ट वाला जो है वो गियर कनेक्टेड है। तो यहाँ पे टॉप गियर के अंदर, क्या टॉप गियर के अंदर सर आपका जो गियर जो मेन शाफ्ट होती है वो ही कनेक्ट हो जाती है आपकी इंजन शाफ्ट से, तो इंजन जिस गति से दौड़ रहा होगा उसी, वो फुल स्पीड है, उससे ज्यादा दो ही नहीं सकती, क्योंकि इंजन जिस स्पीड से दौड़ रहा है उससे ज्यादा क्या करोगे तुम, है ना, तो ये मैक्सिमम आपकी स्पीड होती है यहाँ पे। ये आपका कौन सा गियर हो गया, टॉप गियर, और ये कौन सा था आपका, सेकंड गियर। और अब एक और, अब ये टॉप स्पीड आ गई, अभी जैसे अगर मान लो अपने चार गियर हो गए तो यहाँ पे एक गियर और बढ़ जाएगा बीच में, वो इससे थोड़ा बड़े साइज का, इधर थोड़ा छोटे साइज का, तो वो थर्ड गियर हो जाएगा। बाकी फोर्थ गियर कौन सा रहेगा, वही फोर्थ गियर कौन सा रहेगा, ये वाला ही, मतलब जो टॉप गियर होता है उस टाइम वो इंजन की शाफ्ट से ही कनेक्ट होता है डायरेक्ट, बराबर है, क्योंकि इंजन की स्पीड से चलाना है अपन को टॉप में। तो अब बात करते हैं सर रिवर्स गियर की, किसकी, रिवर्स गियर। तो रिवर्स गियर कैसे काम करता है, ये रहा, आपने जैसे इधर रिवर्स आर पे दबाया तो आपका फोर्क उधर खींचेगा, मतलब इधर से इधर धक्का मारेगा, इसको इधर धक्का मारेगा तो मतलब ये कहां पे आके कनेक्ट हो गया, इडलर पे कनेक्ट हो गया, किससे कनेक्ट हो गया, इडलर से। और ये अगर क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, ये अगर क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, ये अगर ऐसे घूम, अरे क्या आ रहा है, ये अगर ऐसे घूम रहा है तो ये कैसे घूमेगा, ऐसे, और ये वापस ऊपर की तरफ, यानी आपका गाड़ी उल्टी दिशा में चलेगी, पहले की दिशा, पहले के बजाय उल्टी दिशा में चलेगी, क्योंकि बीच में एक इडलर लगा दिया आपने, और इडलर जो क्या करता है, दिशा चेंज कर देता है। क्या इडलर उसकी गति पे या उसके टॉर्क पे कोई प्रभाव डालता है, क्या नहीं डालता है, क्या उसके गियर रेशियो पे प्रभाव डालता है, क्या नहीं डालता है। तो ये बिल्कुल कान खोल के सुन लेना, इडलर का काम केवल और केवल दिशा बदलना। तो ये था आपका स्लाइडिंग मैश। अब स्लाइडिंग मैश क्यों बोला, क्योंकि गियर इधर उधर स्लाइड हो रहे हैं। अभी नेक्स्ट आपका जो कॉन्स्टेंट मैश आएगा उसमें गियर एक ही जगह फिक्स कर दिए जाते हैं, उनको स्लाइड नहीं किया जाता है, बराबर है। नहीं नहीं ऐसे स्लाइड, इतना इतना उनके लिए फोर्स सी होता है, आप जब गियर शिफ्ट करते हो ना तो धक्का लगता है, तब हिलता है, नहीं तो इतना टाइट होते हैं, नहीं 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 इतना जल्दी भी नहीं भागते, कई बार तो फंस ही जाते हैं, कई नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, है ना। इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा नहीं है कि, अच्छा आपको एक चीज़ मैंने बताया था, जब इनके जो टीथ घिस जाते हैं, है ना, उसको अपन प्ले बोलते थे, प्ले की समस्या आ जाती है, तब तो गियर चेंज करना पड़ता है, गियर फिसलने लग जाते हैं, है ना, तो उस केस में तो फिर आपकी शाफ्ट चेंज करनी पड़ती। बाकी ये शाफ्ट और इसके बीच में इतना, जैसे टीथ के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, अगर गैप होगा तो फिर दिक्कत होगी, है ना, फिर इधर उधर भाग सकते हैं, तो उस केस में तो फिर ये 4-5 साल बाद 10 साल बाद तो फिर चेंज होती है सारी शाफ्टें, गियर वगैरह पूरा चेंज हो जाते हैं। वैसे पता है ज़्यादा नहीं होती इन पर, ज़्यादा घिसाव नहीं आता है, इतना लोड नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारे स्प्लाइन कटे होते हैं, बट जाता है, और ये इतने स्मूथ नहीं होता कि इजीली ऐसे, थोड़ा हार्ड टाइप के होते हैं, बिल्कुल फंसे हुए से टीथ रहते हैं, तो इतना इजीली नहीं खिसकेगा वो, बराबर है। और दूसरा अभी मैं आपको बताऊं, एक और डायग्राम अगर है तो मैं दिखाता हूं, है ना, इतना गैप भी नहीं रहता जितना कि डायग्राम में दिखा दिया, है ना, बीच में रैचेट भी लगाए जाते हैं, ये देखो यहाँ पे ये रैचेट भी लगे हुए हैं, देखो ये जो गियर शिफ्टिंग डिवाइस, ये जो गियर लीवर होता है ना, ये आने ही नहीं देंगे आपको यहाँ पे, ये देखो ये यहाँ पे ऐसे ये दो ये लगे हुए हैं, देखो ये आपका एक रैचेट, एक ही रैचेट ऐसे फंसे हुए होते हैं बीच में, ऐसे इधर उधर नहीं आने देंगे इनको, बस हल्का सा मूवमेंट होता है, कोई ज़्यादा मूवमेंट थोड़ी ना होता है, 2-5 mm इधर उधर करेंगे बस, इतना ही खेलते हैं, दिख रहा है आपको, है ना, ये एक आपका गियर हो गया, ये आपका एक गियर हो गया, ये बीच में इसके साथ कनेक्शन भी करवा देते हैं, और ये आपका इधर टॉप वाला गियर हो गया, इससे आप समझ सकते हैं, ये आपकी ले शाफ्ट हो गई, इधर आपका ये फ्लाईव्हील लगा हुआ है, और इसके बाद ये आपका क्लच मैकेनिज्म होता है इधर पे, और ये आपका गियर कौन सा हो गया, ये वाला गियर, ये जो गियर है ये क्लच गियर हो गया, ये आपका ले शाफ्ट हो गई, ये आपकी मेन शाफ्ट हो गई, ये आपका नकल जो हुक ज्वाइंट होता है वो होता है,
देखा होगा ना हमने ट्रक में, और इसी के आगे आपकी प्रोपेलर शाफ्ट लगी होती है, और फिर इधर डिफरेंशियल दिख रहा है ना, हुक ज्वाइंट लगा हुआ है, हुक ज्वाइंट जो बीच में एक रहता है ना ज्वाइंट सा जो घूमता रहता है, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है। तो कुछ इस प्रकार से ऐसे इधर आप जो बोल रहे हो ना ऐसे, तो ये आपका जो गियर नॉब होता है वो नहीं जाने देता इधर उधर, बराबर है? लिखिए आप इसके बारे में। तो ये डायग्राम मैं इसी सीक्वेंस में रहने दूं क्या, इसी सीक्वेंस में रहने दूं पीडीएफ में, ताकि आपको आसानी रहे कि भाई कैसे एक एक बाय वन एक एक गियर कैसे काम करता है। लोकेश गुड इवनिंग, सबसे पहले बात करते हैं कि सर इस गियर बॉक्स को क्रैश मैश क्यों बोला जाता है। तो इस गियर बॉक्स में कौन से गियर लगे होते हैं, स्पर गियर, कौन सा गियर लगा होता है, स्पर गियर लगे होते हैं, जो कि मैश करते समय कंपन यानी वाइब्रेट व आवाज करते हैं। इसलिए और मैं बात करूं कि ये एक आपका इस गियर बॉक्स का फेल होने का कारण भी बना था, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, टीथ जो है आगे के पार्ट टूट जाते थे या जल्दी घिस जाते थे, क्योंकि क्रैश होता है ना जब मैट होते थे वो, तो जल्दी आधे लाइफ नहीं थी इसकी, है ना, इस वजह से ये आजकल बिल्कुल चलन में नहीं आता, इसलिए इसे क्रैश मैश गियर बॉक्स भी कहते हैं। अनमोल सर ऑनलाइन बैच की फीस कितनी है, तो बेटा आप जो स्क्रीन पे नीचे नंबर चल रहा है ना, उस नंबर पे आप संपर्क कीजिए, आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी। नंबर कुछ इस प्रकार है शायद 7414095095 है ना, इस पे आप कॉल करोगे तो आपको फुल डिटेल मिल जाएगी, कितना का क्या डिस्काउंट चल रहा है वो सब उसी पर बात कर लेना, मुझे आइडिया नहीं है कि कितनी फीस है इसकी। दूसरा, इस गियर के अंदर जबरदस्ती गियर को हटा के जबरदस्ती लगाया जाता है, ध्यान से सुनना इस बात, पूछोगे सर कैसे, देखो कैसे, जब आपने कौन सा गियर, मान लो थर्ड आ गया ना, सेकंड की मैं बात करूंगा, जब आपने सेकंड गियर डाला था तो उससे जस्ट पहले ये गियर किससे कनेक्ट था, इससे कनेक्ट था नहीं था, तो यानी अब जब आपको गियर चेंज करना है आपने जैसे ही क्लच ली, क्लच लेते ही मतलब क्या हो गया, ये यहां से हट गया क्या, लेकिन क्या ये रुक जाती है क्या, मतलब घूमती तो रहती है, अब ये घूमती रहती है कुछ स्पीड से, मतलब कम स्पीड से, क्योंकि फर्स्ट गियर में स्पीड होगी नहीं, और ये घूमेगी इंजन की स्पीड से, स्पीड ज्यादा है, अब आप जब इसको इससे अंगेज करोगे ना तो गड़बड़ तो होगी, क्योंकि ये चल रहा है मान लो 50, ये चल रहा है मान लो 50 आरपीएम से, और ये पता चल रहा है कि आपका चल रहा है 500 आरपीएम से, तो भैया गड़बड़ तो होगी थोड़ी सी, है ना। तो एक बार जब इससे संपर्क कराया जाता है तो एक बार तो ये रगड़ा खाता है ना, भड़बड़ाहट सी करता है एक बार, तब जाके थोड़ा सा कॉन्टेक्ट में आता है धीरे धीरे, तो यहाँ पे इसलिए, और हटाते टाइम भी जबरदस्ती हटाया जाता है ना, वहां पे भी आप देखोगे वो
हालांकि हटाते टाइम समस्या नहीं है अपने साथ, लगाते टाइम समस्या है। हाँ, दोनों की सेम रहती है ना, हटाने में तो क्या होता है कि इसकी और इसकी सेम स्पीड हो जाएगी, समझ रहे हो। अब स्पीड कैसे हुई ध्यान रखना, क्योंकि नंबर ऑफ टीथ बढ़े हैं, वैसे तो ये ज्यादा स्पीड पे चल रही है लेकिन वहां पे टीथ ज्यादा है, इस वजह से मैच हो जाता है वो। लेकिन जब इधर आते हैं तो ओवरऑल स्पीड तो इसकी 50 आरपीएम ही है और ये चल रही है 500 आरपीएम पे, तो भैया यहाँ पे गड़बड़ होगी। फिर ऐसे ही जब आप इसको टॉप पे ले जाओगे तब दिक्कत होगी। तो इसलिए इसके अंदर एक वो होता है ना कि फोर्सफुली एंगेज किया जाता है और फोर्सफुली डिसएंगेज किया जाता है, और इसी वजह से यहाँ पे टीथ जो है वो जल्दी ब्रेक होते हैं इसके और घिसते भी हैं। तो ये क्या शादी है यार, इस गियर बॉक्स में बदलते समय मेन शाफ्ट व ले शाफ्ट की अलग अलग गति के कारण बलपूर्वक या जबरदस्ती गियर बदले जाते हैं। जिससे क्या होगा, गियर आवाज करते हैं चेंज करते टाइम, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें जब भी आप गियर चेंज करोगे तो आपको आवाज देखने को मिलती है ना, इससे हमेशा गियर बदलते समय आवाज होती है। गियर बॉक्स से क्या आती है, आवाज आती और साथ में ही क्या होता है कि आपकी गियर टीथ जो होते हैं उनको नुकसान भी ज्यादा होता है, तो इससे इसकी लाइफ भी कम होने वाली है। यहाँ पे स्पर गियर जो होते हैं इनके फेस है, इनके जो टीथ जो होते हैं वो आगे से या तो घिस जाते हैं टूट ही जाते हैं। तो माथे पे बजा रखा है इसने, जा भी नहीं रहा यहाँ से। हो गया, अब ये पॉइंट लिखाऊं क्या, इससे गियर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, थोड़े से टीथ टूट जाते हैं, लिखाऊं क्या, ये रहने दो। ये तो हो गया इसके बारे में जो कॉमन पॉइंट है। अब अपन बात करते हैं इस गियर बॉक्स के बारे में, है ना। तो यानी इसके कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे कि इसमें मेनली क्या क्या चीज लगी होती है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं सर, ये जो स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स होता है ये सबसे सिंपलेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट गियर बॉक्स है। मैं ध्यान से सुनना, क्योंकि इसका मैकेनिज्म सबसे सिंपल है और सबसे पुराना है ना। तो
आप बोल सकते हो कि सर इस गियर और इसके कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर तीन शाफ्ट होती हैं, क्लच शाफ्ट, ले शाफ्ट, मेन शाफ्ट, है ना। तो लिखो, मैंने बताया था ये थोड़ी लंबी चलेगी आपकी कहानी, है ना, पहले गियर में। तो स्लाइडिंग मैश गियर की संरचना सबसे आसान तथा सबसे पुराना मैकेनिज्म है। इसके अंदर मैं बोलूं स्लाइडिंग मैश, या मैं अब देखो मैं डायरेक्ट इस गियर बॉक्स की बात करूं, मैं डायरेक्ट पॉइंट, क्योंकि बार बार स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स नहीं लिखूंगा, अब मैं सीधा पॉइंट लिखूंगा। इस गियर बॉक्स में मुख्यतः तीन शाफ्ट होती है ना। तो अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें, इस गियर बॉक्स में मुख्यतः तीन शाफ्ट होती हैं, जुड़ी होती है। पहली पहली कौन सी? क्लच शाफ्ट। ये किससे जुड़ी होती है? इंजन से जुड़ी होती है, इंजन या फ्लाईव्हील। से अटैच रहती है। सेकंड कौन सी आपकी? ले शाफ्ट। ये किससे? क्लच शाफ्ट से। यानी ये है हमेशा, एक शब्द लिख रहा हूं मैं, क्या? हमेशा क्लच शाफ्ट से अटैच रहती है। वह गियर में, यानी जब फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में होगी तब मेन शाफ्ट से अटैच रहती है, तथा गियर में मेन शाफ्ट से अटैच होती है। बराबर है, यानी ले शाफ्ट आपके इंटरमीडिएट शाफ्ट होती है, इधर क्लच शाफ्ट होती है जिससे तो ये परमानेंट कनेक्शन है, वहीं आपका मेन शाफ्ट से कनेक्शन तभी होता है जब आप उसको गियर में, यानी आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ गियर में डालोगे तभी कनेक्ट रहेगी। और आपकी लास्ट कौन सी? मेन शाफ्ट या प्राइमरी शाफ्ट, मेन या प्राइमरी शाफ्ट। गियर शिफ्टिंग मैकेनिज्म जो लगा होता है वो किस पे लगा होता है? इसी प्राइमरी शाफ्ट पे लगा होता है ना। तो ये अपन डायग्राम से भी आपको समझ में आ गया होगा। और ये किससे अटैच होती है? तो आप आगे लिखोगे ये ट्रांसमिशन लाइन से अटैच होती है, यानी यह शाफ्ट ट्रांसमिशन लाइन से जुड़ी रहती है। दूसरा इसमें क्या है? चलो बाद में पॉइंट लिखेंगे अपन। देखो मैं, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, उस चीज को अलग से पॉइंट नहीं बनाना पड़ेगा, कि मेन शाफ्ट या जो प्राइमरी शाफ्ट
जो होती है, तो आपके यहाँ पे जो गियर शिफ्टिंग मैकेनिज्म होता है ना, जो आपकी गियर आपके ऊपर निकला होता है ना गियर, जो आपकी नॉब है, लीवर है, फोर्क है, यानी यहाँ पे कनेक्ट होता है सबसे पहले फोर्क, फोर्क से आपका लीवर होता है, और लीवर फिर एक नॉब, नॉब मतलब एक 360 डिग्री वाला नॉब होता है जिससे इधर उधर चारों तरफ चारों डायरेक्शन मूव कर सकते हो नॉब की सहायता से ना। आपका ऊपर भी एक नॉब होता है जिसमें आप हाथ से पकड़ते हैं राउंड कलर का, राउंड राउंड सॉरी ब्लैक कलर का। तो लिखोगे क्या कि जो गियर गियर शिफ्टिंग मैकेनिज्म इसी शाफ्ट पर लगाया जाता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, जो ले शाफ्ट होती है वहां पे गियर जो होते हैं वो फिक्स होते हैं गियर शाफ्ट पे, समझना, हमेशा फिक्स रहते हैं, ध्यान रखना ना। वहीं यानी नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, ले शाफ्ट पर लगे गियर की सहायता से फिक्स रहते हैं, जो कि शाफ्ट को साथ लेके घूमते हैं। यानी फ्रीली घूम नहीं सकते, वो अगर घूमे तो शाफ्ट को साथ लेके घूमेंगे। अच्छा, ये पॉइंट लिखवाने की जरूरत है क्या कि जो आपका ले शाफ्ट होता है वो हमेशा क्लच शाफ्ट से कनेक्टेड होता है, वो मैं लिखवा चुका वहाँ पे, है ना, ये लिखवा दिया यहाँ पे, इस गियर सॉरी ये हमेशा क्लच शाफ्ट से अटैच रहती है, तो अब ये पॉइंट नहीं लिखवा रहा मैं ना, ये तो ये भी एक अलग से पॉइंट था। क्लच गियर जो होता है वो फिक्स रहता है या फिर फ्री होता है, मतलब घूम सकता है, ये जो यहाँ पे क्लच गियर है ना, ये वाला क्लच गियर, ये आपकी क्लच आपके साथ फिक्स रहता है, ध्यान रखना, यहाँ स्प्लाइन वगैरह नहीं होता। वहीं आपके मेन शाफ्ट के जो गियर होते हैं ना सर, ये लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं ना, तो ये पॉइंट लिखो, ये पॉइंट लिखवाने की जरूरत नहीं है, ये भी फिक्स रहते हैं, ये भी फिक्स रहते हैं। तो अब लिखोगे क्या कि सर आपके जो मेन शाफ्ट के गियर हैं वो मेन शाफ्ट स्प्लाइन यानी खांचे नुमा
होती है, इसलिए इस पर लगे गियर आपका जो शिफ्टिंग योक लगा होता है इसके अंदर, जो अभी आपको डायग्राम दिखाया था ना, जिसको अपन फोर्क या योक भी बोलते हैं इसको, ये चीज आपकी जो दिख रही है ये योक होती है ना, तो शिफ्टिंग योक नाम लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट। इस पर लगे गियर शिफ्टिंग योक द्वारा योग लिख दिया है, इंग्लिश में भी लिख देता हूं ताकि गलत फहमी ना, कोई थोक लिखेगा कोई कुछ बोलेगा, शिफ्टिंग योग है ना, खांचेनुमा होती है, इसलिए इस पर लगे गियर शिफ्टिंग योग द्वारा लेफ्ट राइट यानी दाएं बाएं, दाएं बाएं स्लाइड कर सकते हैं, परंतु अपनी एक्स पर फ्री नहीं घूम सकता, अपनी परंतु स्प्लाइन हब होने के कारण घूमेगा तो शाफ्ट को साथ लेकर घूमेगा, तो ये थी कहानी इसकी, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच। इसका भी खत्म नहीं हुई थ्योरी, ध्यान रखना, अभी तो फर्स्ट गियर को अलग से पढ़ेंगे, सेकंड गियर को अलग से पढ़ेंगे, थर्ड को अलग से पढ़ेंगे, रिवर्स गियर को अलग से पढ़ेंगे, है ना, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, उसके बाद टाइम ही लगेगा, बट ये कि चारों होने के बाद फिर चैप्टर ही खत्म है। छाप लिया, बहुत छोटा लिखते हो भाई तुम, सर को बोलना ग्लास चेंज कर देना।